हेलो फ्रेंड्स, आप सबका रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल से संबंधित पुस्तक गणित प्रभा सप्तम श्रेणी अध्याय 5.8 का हल करेंगे। आप सभी दर्शक जनों से अनुरोध है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर को बढ़ चढ़कर सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। आप सबसे एक अनुरोध है कि हमारा जो बनाया हुआ वीडियो अगर आपको साफ़ सुथरी नहीं दिखाई दे रही आपके स्क्रीन पर, तो आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा क्लिक कीजिएगा तो तीन बिंदुए दिखाई देगी, जिसमें क्वालिटी का ऑप्शन होगा या सेटिंग का, तो उस पर आप जाकर क्वालिटी बढ़ाकर साफ़ सुथरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 5.8 का कैसे हल किया जाता है। लिखा है कि स्वयं करो 5.8, ये आपका एक नंबर सवाल है। दिया 8 × 8 को 2 के सूचक में लिखना है। 8 × 8 × 8 को 2 के सूचक के आधार में प्रकाशित करते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। 8 है तो 8 को हम तोड़ेंगे तो कैसे हो सकता है। ठीक, 1 2 3, तो यहाँ पर फिर से इस 8 को तोड़ेंगे तो भी आएगा वही, फिर इस 8 को तोड़ेंगे तो भी वही आएगा, 2 3 3 बार आएगा। अब देखिए यहाँ 2 पर 3 पावर, फिर ये 2 पर 3 पावर, फिर ये 2 पर 3 पावर। कहने का मतलब है आपका कि टोटल कितना गुणा जब भी रहता है तो हम लोग उसको जोड़ देते हैं। यहाँ 2 पर ये सबका आधार कितना है, 2 है, इसके ऊपर 3 पावर, इसके ऊपर 3 पावर, तो टोटल कितना हो गया। तो मानिए इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 2 × 2 = 9। दूसरा नंबर जो आपका सवाल है यह है आपका 25 × 25 × 25 × 25। ठीक, इसको चाहें तो हम ऐसे हल करते हैं। देखिए मानिए 25 है तो 25 का हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 × 25, तो जहाँ 25 है उसके जब वो क्या करते हैं 5 × 2 कर देते हैं। आप लोग ऊपर के समझिएगा कैसे करना है, वैसे इसको हम करने के लिए बता रहे हैं। जहाँ भी गुना रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। सबका आधार कितना है तो 5 है, और सबका घातक कितना है तो 2 2, तो गुना में सबको जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया आपका 5 2 4 6 8, तो 8। तीसरा नंबर देखिए, ये आपका 36 × 36 × 36 को बोल रहा है कि 6 के सूचक में, तो 36 को भी हम लोग लिखेंगे 6 के सूचक में, मतलब 6 × 6 = 36, तो मतलब 6 हमको होना चाहिए, तो 6 के ऊपर कितना स्क्वायर, तो 2। यहाँ भी गुना है तो 6 का 6 आधार हो गया, ये 2 2 है तो सबको जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 6 के ऊपर 6 पावर। चौथा नंबर 81 × 81 को 81 × 81 को 3 के सूचक रूप में प्रकाशित करें। 3 के सूचक के रूप में मतलब कितना हो गया आपका, ये हम यहाँ 3 करेंगे, और इसके ऊपर कितना पावर करेंगे कि 81 हो, तो मानिए कि 3 के ऊपर तीतरी के, ये देखिए 81, 3 के ऊपर मानिए कि 3 × 3 तीतरी के 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81 मतलब कितना, 3 के ऊपर 4 पावर, यहाँ 4 पावर और 3 के ऊपर भी 4 पावर। ये 3 का 3 गुना करें तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 का 3, तो इसके ऊपर 8 पावर हो जाएगा। ये आपको प्रदर्शित करके दिखाना है। ओके, चलिए अब हम लोग सवाल में थोड़ा बनाते हैं। 5 नंबर, पाँच नंबर का सवाल है
टू पर 6 पावर गुने 3 पर 5 पावर, फिर नीचे में 6, और 6 पर कितना है आपका 5 पावर। देखिए 2 पर 6 तो 6, और 3 पर कितना है 5 तो 5। इसको हम क्या करेंगे, जो 6 है 6 को तोड़ भी सकते हैं, जो 3 6, और इसको 5 पावर। ये देखिए 2 पर 6 का 6, 3 पर 5 का 5, और ये क्या करते हैं, जो भी बाहर में है इसके लिए इस पर क्या दोनों पर हक बनता है। अब देखिए ये मेरा 2 पर कितना, 2 मेरा आधार है, 2 पर 6 पावर है, और नीचे में है, तो इसमें डिवाइड हुआ, डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या करेंगे इस पर 5 पावर। ये फिर 3 के ऊपर कितना 5 पावर है, ये 3 भी क्या बटा में था डिवाइड में, तो 5 ये जाएगा उसके ऊपर, तो क्या होगा 5 माइनस में, जब भी बटा के लिए घटा देंगे, मल्टीप्लाई के लिए जोड़ देंगे। तो ये 2 का 2 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। इधर देखिए 3 का 3, इसके ऊपर डिग्री बैठ गया, डिग्री मतलब 5 में से 5 गया तो 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही। इधर देखिए 1 का 3 किसी के ऊपर डिग्री रहेगा तो 1 का 1 ही हो जाता है, तो 2 इंजे 2, 2 एकम 2। दूसरा नंबर सवाल देखिए 10 पर 3 पावर, फिर 10 पर 4 पावर, ठीक। नीचे है आपका 2 पर 5 और 5 पर 4, ध्यान दीजिएगा। ये 10 पर कितना है, तो 10 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक। यहाँ पर भी ये जो 10 है तो 2 गुने 5 पर 4, और नीचे जो आपका है जो 2 पर 5 और 5 पर 4, 2 पर 5 5 पर 4। अब देखिए ये दोनों पर पावर दे देंगे, 2 पर कितना हो गया 3, 5 पर भी 3, फिर 2 पर 4 तो 5 पर भी 4, और नीचे क्या हो गया, तो 2 पर 5 तो 5 पर 4, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ 2 है, 2 अलग हो सबको, 2 पर 3 पावर है, फिर यहाँ 2 पर कितना है 4, 3 तो ऊपर में गुना है इसलिए हम इसको जोड़ दे रहे हैं, पर यहाँ पर क्या डिवाइड मतलब भागा में, इसलिए यहाँ घटा दे रहे हैं, फिर गुना चिन्ह। अब जो कर 5 5 पावर वाला, तो 5 पर 3 क्या है, यहाँ 3 है, ये क्या गुना में, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, पर ये देख रहे हैं नीचे क्या भागा में है इसलिए ये घटा देंगे। ओके ये देखिए तो 2 का 2 ये कितना हो गया आपको, 3 4 7, 7 7 में से 5 आ गया तो 2, ये 5 का 5 ये कितना हो गया, 3 5, 3 2 4 7 हो, 7 में से 3 गया तो 4 गया तो 3, तो 2 2 के 4, और 5 के होल क्यों करेंगे तो 125, ये मतलब जोड़ का हो गया आपका 125 4 129। ओके फ्रेंड्स, तीसरा नंबर 5 और 9 और 5 और 6 और नीचे 5 और 7, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे सबका आधार 5 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए, ऊपर मल्टीप्लाई है तो 5 पर 9 पहले है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, इसलिए हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर नीचे में देख रहे आधार 5 ही है पर इसके ऊपर 7 पावर, तो पर ये बाटा में है इसलिए क्या इसको घटा देंगे। तो कितना हो गया 5 का 5 और 9 8, 9 8 कितना हो गया, 9 6 15, 15 में से आपके 7 गया तो हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए 6 पर 4 और 3 पर 8 और नीचे 3 पर 12, इसमें से है जो 6 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 6, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा पावर 4, 3 पर 8, और नीचे में ऊपर कितना है 3 पर 12 पावर। अब देखिए 2 के ऊपर भी क्या करेंगे, 4 दे दिए, 3 के ऊपर भी 4, फिर 3 के ऊपर 8, और नीचे 3 के ऊपर 12, समझ रहे हैं, आशा है कि आप समझते होंगे। यहाँ देखिए 2 के ऊपर कितना है, सिर्फ 4 पावर है, ठीक, और कोई 2 वाला तो है नहीं, तो बस ऐसे ही लिख देते। अब आधार देख रहे हैं 3 किसके ऊपर है, 3 के ऊपर 4 है, ये मल्टीप्लाई में इसके लिए इसको जोड़ दिए, पर ये क्या है नीचे डिवाइड में है मतलब बाटा में है, तो इसलिए इसको घटा देंगे। ये देखिए 2 के ऊपर 4 का 4, ये 3 का 3, 4 8 12, 12 में से 12 गया तो 0, ये क्या हो गया 2 का 4, और इसके ऊपर 3 के ऊपर डिग्री मत लगाने से 1 हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 के 4, 4 2 के 8, 8 में 16, 16 में 1 किए तो 16,
चलो ही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई था। ओके सॉरी कि हमने इन्हें ब्रैड किया है। ये चार का पर 125 पर करेंगे तो चार चार पाँच 20 का जीरो हाथ में सिल दो, 4 2 8 8 2, 10 का जीरो हाथ में सिल एक, 4 1 4 1 5। ओके तो इसका आंसर 500 होगा। सॉरी, इसके लिए आशा है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे तथा लाइक भी करेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल, 5 नंबर में आपका बोल रहा है 25 25 पर कितना है, 2 पावर। फिर यहाँ 25 25 पर आपका 5 पावर, ध्यान दीजिएगा। और ये 5 पर आपका 10 पावर। ये देखिए 25 का मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 गुने 5, इसके ऊपर 2 पावर देते हैं। फिर यहाँ 25 को भी ऐसे तो लिख सकते हैं, 5 गुने 5, और इसके ऊपर भी ये जो 5 था 5 दे दिए। और नीचे में कितना है, 5 पर 10 पावर, ध्यान दीजिएगा। तो 5 पर 2 पावर हो गया, फिर 5 पर 2 पावर, फिर 5 पर 5 पावर, 5 पर 5 पावर, ठीक। और ये नीचे में आपका कितना हो गया, 5 पर 10 पावर। अब बताइए ये सबका आधार कितना है, 5 ही है, तो सबको जोड़ देंगे। ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5। और ये देखिए इसका भी आधार 5 है, पर ये क्या नीचे में, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो गया, 5 का तो 5 ही हो गया। ये 2 2 4 4, और ये 5 5 10 10 4 14, 14 में से आपका ये 10 गया, तो ये हो गया 4। अब इसको आप चाहें तो आप गुना करके लिख सकते हैं, गुना करके देख लीजिए, 5 को 6 पर करेंगे तो कितना होगा, 5 5 5 5 25 25 25 125 125 और 5 6 625। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 5 5 25 25 25 25 125 125 625 625। आंसर देखिए 6ठा नंबर सवाल, 6ठा नंबर सवाल है 2 पर आपका 3 पावर, फिर 3 पर आपका 9 पावर, फिर 3 पर 6 पावर, तो 6 पर भी 3 पावर, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 पर जब 3 पावर है, 3 पर 9 पावर, ये सब टूटेगा नहीं, तो इसको जैसे है कि वैसे का वैसा लिख दें। फिर ये 3 पर 6 पावर, पर यहाँ 6 जो है इसको हम ऐसे तोड़ सकते, 2 3 6, और इसके ऊपर क्या करेंगे, 3 पावर दे दिए। अब देखिए 2 पर 3 पावर, 3 पर कितना था 9 पावर। ये देखिए 3 पर ये 6 पावर, और ये जो है आपका संख्या, इसको हम दोनों पर पावर दे देंगे, 2 पर भी 3 पावर और 3 पर भी 3 पावर। अब देखिए ये 2 है, तो 2 पहले लिख दिए, 2 के ऊपर कितना 3 पावर, ठीक। पर यहाँ पर 2 कहीं और नहीं है, सिर्फ 2 एक यहाँ है, तो एक बटा में है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में ले गए तो माइनस में हो गया। फिर उसके ऊपर 3 के ऊपर कितना है, 9 पावर है। यहाँ देखिए आपका एक यहाँ 3 है, तो ये क्या बटा में है, इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। फिर ये भी बटा में है, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। ओके ये 2 3 में से 3 गया तो 0। ये देखिए 3 का 3, 6 में 9 में से 3 गया तो 9 में से 6 गया तो 3, 3 और 3 में से 3 गया तो फिर 0। ये क्या हो गया आपका, किसी के ऊपर भी डिग्री बैठाना मतलब कितना, 1 हो गया। 0 के ऊपर, 3 के ऊपर भी डिग्री, तो 1, 1 में 1 का गुणा किए तो 1 ही आएगा आंसर। ओके 7 नंबर सवाल आप देख लीजिए, 7 नंबर बोल रहा है कि a पर 7 पावर है, फिर a पर 5 पावर, ठीक, और a पर 2, और बोल रहा है कि ब्रैकेट में नॉट इक्वल है 0, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आधार है, यहाँ भी ये आधार है, यहाँ पर ये आधार, तो हम क्या करें, a पर पहले 7, ठीक, ये समझ लीजिए। एक पर अगर कम क्या है, ये ऊपर में हो गया, तो फिर ये क्या है, ये मतलब समझो गुना है, तो इसलिए इसको हम जोड़ दिए, पर ये क्या है नीचे बाटम है, इसलिए इसको घटा देंगे। तो कितना हो गया, ए का ये 7 में से तो आपका 7 2 9, 9 में से 4 5 गया तो 4, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए इसको हम समझिए कि आप अपने मन से 1 बैठा देते, ऊपर हो गया, ऊपर ऊपर तो गुना होता है, तो गुना के लिए जोड़ दिया, नीचे का बाटा में तो इसलिए घटा दिए। ओके 8 नंबर सवाल देखिए, ये आपका 3 और 7 पर कितना है, 2 पावर, फिर 2 पर है आपका 4 पावर, फिर
यह 21 और यह 112। ओके, देखिएगा 3 का 3, 7 पर तो 2 पावर है और 2 पर भी 4 पावर, पर यहाँ से कोई नहीं टूटा। फिर ये देखिए 3 × 7, इसको हम लिख सकते हैं। और देखिए ये 112 है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो 112 को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करके देखते हैं थोड़ा। अट्ठाईस, ये हो गया आपका 14, फिर ये 2 × 7, मतलब कहने का मतलब कितना है, 2 पर कितना हो जाएगा, तो 2 पर आपका हो जाएगा 4 पावर और 1 हो जाएगा आपका 7। ठीक, 7 × 14, 14 × 18, 28 × 21, 56, 112। तो देख लीजिए, तो ये है आपका कितना, तो ये है अपन 3, तो 3 यहाँ, 1 3 है यहाँ पर, क्या समझिए कि 3 के ऊपर 1 पावर है, और 1 ठो यहाँ पर अगर 3 है, तो ये ऊपर में बॉटम हो गया, तो क्या घट गया, 1 में से 1 गया तो घट गया। फिर है 7 पर कितना है, 2 पावर है ऊपर में, ये 7 में बटा में, नीचे में 1 है, फिर 1 यहाँ है, तो समझिए कि हम इसको क्या करें, 2 बार इसको घटा देंगे एक एक करके। फिर 2 के ऊपर कितना है, 4 है, तो यहाँ देख रहे 2 के ऊपर क्या है, अभी 4 है, तो ये भी क्या हुआ, घट गया आपका 4 पावर। अब देखिए 3 0 में से 0 गया, तो 1 में से 1 गया तो 0, ये 7 का 7, 2 में से 1 गया तो 1 1 में से 1 गया तो ये भी 0, ये 2 का 2, 4 में से 4 गया तो 0। तो 3 किसी के ऊपर भी डिग्री लगने का मतलब 1 हो गया, 7 के ऊपर भी तो 1, 2 के ऊपर भी डिग्री तो 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, मतलब 1 × 1 × 1 मतलब 1। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।